ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो हम स्टार्ट करेंगे फर्मेंटेशन ऑफ ग्रिसोफ्लेविन, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी, क्या टाइप के फर्मेंटेशन होते हैं और डिफरेंट फर्मेंटेशन प्रोडक्ट भी हमने डिस्कस किए थे। तो आज की क्लास में हम प्रेशन ऑफ ग्रिसोफ्लेविन बाय द फर्मेंटेशन देखेंगे। Now, what is a fermentation? Fermentation process utilize the microorganism to convert solid or liquid substrate into the various product. Or the fermentation is classified commercially into the solid state or submerged fermentation process. Now, Grisoflavin के बारे में बात करें तो Grisoflavin is an antifungal antibiotics first isolated from the Penicillium species in 1939. And then it is a secondary metabolite produced by the fungus Penicillium Grisoflavum. इसके थ्रू डेवलप की गई थी। The compound is insoluble in water and slightly soluble in ethanol, methanol, acetone, benzene, and chloroform, ethyl acetate and acetic acid. Grisoflavin के बारे में ये बोला जाता है कि जब penicillin derived हुई थी 1939 में, and then उसके बाद जो fungus था, that is a Penicillium Grisoflavum, उसके थ्रू हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट के फॉर्म, पहला मेटाबोलाइट जो था वो पेनिसिलिन था, एंड देन सेकेंडरी मेटाबोलाइट ग्रिसोफ्लेविन हमें मिला था। एक तरीके का एंटीबायोटिक है। द स्ट्रक्चर इज लाइक दैट एंड द मॉलिकुलर फार्मूला इज C17H17ClO6। दिस इज द फंगस विच आर ड्राइव बाय द ग्रिसोफ्लेविन। जो आप फंगस देख, जो पिक्चर्स देख रहे हैं वो सारी फंगस की है, और जिसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से चेन फॉर्म हुई थी, किस तरीके से वॉर्म्स होते हैं, ये कैसे फंगस डेवलप होती है, कॉलोनी डेवलप करती है, ये सारी चीज़ें। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ग्रिसोफ्लेविन जो है, इट इज इनहिबिट द फंगल सेल माइटोसिस एंड न्यूक्लियर एसिड सिंथेसिस। इट ऑल्सो बाइंड टू द इंटरफेयर विद द फंक्शन ऑफ स्पिंडल एंड साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल बाय बाइंडिंग टू द अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन। एक तरीके का ये दूसरे फंगल सेल की माइटोसिस को रोकता है, रोकने के लिए न्यूक्लियर एसिड की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि ये इंटरफेयर करता है स्पिंडल और साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूबुल को, ताकि वो अल्फा बीटा ट्यूबुलिन के साथ में बाइंड ना हो पाए। इट बाइंड टू द केराटिन इन ह्यूमन सेल एंड देन वंस इट रीचेस द फंगल साइट ऑफ एक्शन इट बाइंड टू द फंगल माइक्रोट्यूबुल्स दस अल्टरिंग द फंगल प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। फंगस जब डेवलप होता है, ग्रोथ करता है, तो इट गोज अंडर द माइटोसिस प्रोसेस, और इस माइटोसिस के दौरान वो अपने न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज करता है और मल्टीप्लाई होता है, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जो है आपका ग्रिसोफ्लेविन जो है वो जाके फंगल माइक्रोट्यूब्यूल में जाके बाइंड हो जाता है, और जिसकी वजह से उसकी माइटोसिस की प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो जाती है, और फंगस ग्रोथ नहीं कर पाता है। सो दिस इज अ माइक्रोट्यूबुल, और किस तरीके से माइक्रोज आपके ग्रिसोफ्लेविन जो है वो माइक्रोट्यूबुल के साथ में बाइंड होता है, ये एक कार्टून के फॉर्म में दिखाया है। नाउ यूजेस की बात करें तो ऑब्वियसली एक तरीके का एंटीबायोटिक है, और बहुत सारे ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। इट इज हेल्प इन रिंग वॉर्म ऑफ द बियर्ड, इट इज रिंग वॉर्म ऑफ स्कैल्प, फंगल डिसीज ऑफ द नेल्स, रिंग वॉर्म ऑफ द ग्रोइन एरिया। इट ऑल्सो यूज इन एथलीट्स फूड ट्रीटमेंट, रिंग बॉम ऑफ द बॉडी। तो खासकर ग्रिसोफ्लेविन जो है वो जहाँ पे भी फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन उन सब को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। खासकर बियर्ड मतलब दाढ़ी के अंदर जो रिंग बॉम हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसको, स्कैल्प में जो रिंगल स्कैल्प में जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से, या फिर नेल्स में जो होता है उसको ठीक करने के लिए। एथलीट फूड जो होते हैं वो एक तरीके की डिसीज है, जिसमें उनके फूट में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है कंटिन्यू धूते और पसीने की वजह से। और रिंग वॉर्म ऑफ द बॉडी, कहीं पे भी यदि रिंग वॉर्म होता है, ग्रोइन एरिया के अंदर यदि कहीं पे भी रिंग वॉर्म होता है, उसको ठीक करने के लिए भी ग्रिसोफ्लेविन यूज किया जाता है। दिस इज द एग्जांपल हाउ फंगल इन्फेक्शन अकर। बियर्ड में आप देखें पहले पिक के अंदर यहाँ पे ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, इसको ठीक करने के लिए यूज करते हैं। नेल में ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बॉडी के किसी पार्ट में भी यदि फंगल इन्फेक्शन होता है तो कुछ इस तरीके के पैचेस दिखाई देते हैं, रिंग वॉर्म है, एक्चुअली ये रिंग फॉर्म में बनता है। स्कैल्प के अंदर भी आप देख सकते हैं ये किस तरीके से ये रिंग वॉर्म डेवलप होता है, ये फंगल इन्फेक्शन है। एक तरीके एथलीट फुट में ये
रिंग वॉर्म्स डेवलप हो जाते हैं, ये फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो जिसको सबको ट्रीट करने के लिए ग्रीसोफ्लेविन यूज़ किया जाता है। हालांकि ग्रीसोफ्लेविन बहुत इंपॉर्टेंट और पोटेंट ड्रग है, पर तब भी इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं विच कॉजेज नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हार्ट बर्न, फ्लक्चुएंस, क्रैकिंग ऑफ द साइड ऑफ द माउथ, सोरनेस एंड ब्लैकनिंग ऑफ द टंग एंड द थर्स्ट एंड अलावा इसके अलावा हेडेक इज अ कॉमन टू द साइड इफेक्ट। कल्टीवेशन की बात करें तो ये सबमर्ज कल्चर के फॉर्म में डेवलप किया जाता है। मीडिया के लिए यहाँ पे जिजबैक डॉक्स मीडिया यूज किए जाते हैं, जिसमें ग्लूकोज 5%, सोडियम नाइट्रेट 0.2%, पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट जो है वो 0.1% यूज किया जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट 0.05% यूज किया जाता है और इसको लेबोरेटरी के अंदर प्लेट मीडिया के अंदर डेवलप किया जाता है। एक तरीके का फंगस है, फंगस कॉलोनी बनाता है, कॉलोनी ग्रो करता है और एज ए बाय प्रोडक्ट सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है वो हमें ग्रीसोफ्लेविन देता है। ये कॉलोनीज कुछ इस तरीके से डेवलप होती है कि फंगल जो है वो अगार मीडिया, ये जो आपका जो मीडिया जजबैक डॉक्स मीडिया है उसके अंदर ऐसी किस तरीके से कॉलोनी ग्रो करती है, जैसे आप पिक्च में देख रहे हैं। एक पिक के अंदर जो है वो हमने प्लेट के अंदर इनोकुलम या माइसिलियम ग्रोथ करवाया है और ग्रेथ धीरे धीरे बढ़ती हुई आपको ऐसे दिखाई देगी। जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो फंगस जो है वो ट्री लाइक शेप में हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर ये फंगस चेन फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ ग्रीसोफ्लेविन बाय द सबमर्ज फर्मेंटेशन प्रोसेस। सबमर्ज फर्मेंटेशन प्रोसेस मेरे ख्याल से आप सबको पता है, फर्मेंटेशन में हमने डिस्कस किया है। सबमर्ज कल्चर में क्या होता है कि हम स्मॉल डेप्थ के अंदर फर्मेंटेटर के अंदर इनोकुलम या माइसिलियम को ग्रोथ करवाते हैं ताकि वो अपर ग्रोथ एंड लोअर ग्रोथ भी मेंटेन रहे। सबमर्ज में हम एजिटेशन प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर एजिटेशन मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो जो हम आज देखेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज द फर्स्ट फर्मेंटेशन, प्री ट्रीटमेंट ऑफ फर्मेंटेशन ग्रोथ, देन फिल्ट्रेशन, एक्सट्रैक्शन, डीकलराइजेशन, आइसोलेशन एंड सेपरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड प्यूरिफिकेशन। तो दिस इज अ फ्लो चार्ट हाउ फर्मेंटेशन ऑफ ग्रीसोफ्लेविन अकर। इसमें एक फर्मेंटेटर होता है, ये फर्मेंटेटर आप देख सकते हैं, ये सबमर्ज टाइप का फर्मेंटेटर होता है। इसमें इनोकुलम ऐड करते हैं और फर्मेंटेशन को होने देते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्मेंटेशन हम इसको प्रीलिनियरी ट्रीटमेंट देते हैं एंड देन उसके बाद हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद जो हमें लिक्विड मिलता है उसका अलग ट्रीटमेंट करते हैं, जो सॉलिड मिलता है उसे अलग ट्रीटमेंट करते हैं। सॉलिड को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसे हम सॉल्वेंट के साथ में हम डिस्कस करेंगे। जो एक्सट्रैक्ट आता है उसको फिर हम वापस से ऐड कर देते हैं। जब लिक्विड के साथ में हम लेते हैं तो एडसॉर्प्शन कॉलम या केमिकल प्रेसिपिटेशन या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से हम पार्शियली प्यूरिफाइड एंटीबायोटिक इन सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं। जो एक्सट्रैक्ट हमें यहाँ से भी आता है उससे भी हम यही ट्रीटमेंट करने के बाद हमें ग्रीसोफ्लेविन या एंटीबायोटिक का सॉल्यूशन मिलता है। हम जो भी वेस्ट सॉलिड आता है उसको ड्राई करते हैं और एनिमल फीड सप्लीमेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, क्योंकि इज वन ऑफ द जो बचा रहता है, हमने एक्सट्रैक्ट तो कर ही लिया, बाकी जो बचा रहता है मीडिया हम उसको एनिमल फीड में डाल देते हैं। पार्शली प्यूरीफाइड एंटीबायोटिक को हम डीक्रिस्टलाइज करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं और प्योर एंटीबायोटिक को हम आइसोलेट करते हैं। ना सबसे पहली बात करते हैं फर्मेंटेशन की। जैसे हमने बताया जजबैक डॉक्स मीडिया जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे फर्मेंटेशन के लिए, उसके अंदर कार्बन सोर्स की तरह हम यूज़ करते हैं ग्लूकोज, नाइट्रोजन सोर्स के लिए सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट जो है वो आपको मेंटेन करता है पीएच के लिए, मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम एक ट्रेस एलिमेंट की तरह हम यूज़ करते हैं इसको। तो ये होता है जजबैक डॉक्स मीडिया ग्रीसोफ्लेविन के लिए। The pH of the Jezpec Dox medium was adjusted between 6 to 7.2. The medium was dispensed in the fermentator. तो जितना भी हम बनाते हैं, जब fermentation capacity जो है वो depend करती है आपको कितना है, कितना बनाना है, कितने हिसाब से है, तो मे बी इट इज़ अ 500 liter टू द 1000 liter के टैंक होते हैं जिसके अंदर ग्रीसोफ्लेविन को फर्मेंटेट किया जाता है। ग्रीसोफ्लेविन के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस या मीडिया रखा जाता है। The fresh sample of mycelium suspension of fungus, that is a mycelium grisoflavum, from the fresh slope of wrapper steep agar, this is Jezpec Dox media या pond steep agar, was obtained.
तो यहाँ पे भी हम बता दें, फर्मेंटेशन में जो हम माइसिलियम ग्रोथ करवाते हैं या इनोकुलम ग्रोथ करवाते हैं, वो स्टेप वाइज प्रोसेस के थ्रू करवाते हैं। मतलब पहले हम उनको कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं, कोनिकल फ्लास्क से फिर हम स्मॉल साइज फर्मेंटेटर या स्मॉल साइज बीकर के अंदर लेके जाते हैं, एंड देन फिर हमें लास्ट टैंक के अंदर एक पर्टिकुलर कैपेसिटी में हम इनको ग्रो करवाते हैं। इस बीच में हम ये भी कंफर्म करते हैं कि पेनिसिलिनम राइसोफ्लेवम जो फंगस है वो प्रॉपर हेल्दी हो, है ना, उसकी स्ट्रेन जो है वो कंटामिनेटेड ना हो, एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन रखी जाती है थ्रू आउट द प्रोसेस। तो जब ये माइसिलियम ग्रो हो जाता है फिर हम इसको फर्मेंटेटर के अंदर डालते हैं। द सॉल्यूशन वाज ऑटोक्लेव फॉर 200 मिनट एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड एट 15 LBS प्रेशर एंड फर्मेंटेटेड फॉर 14 डेज एट 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो 14 दिन तक कैरी की जाती है और 24 डिग्री टेम्परेचर जो है उसका मेंटेन किया जाता है। बिफोर द सॉल्यूशन अंडरगो द सबमर्ज कल्चरेशन सबमर्ज फर्मेंटेशन प्रोसेस, हम इसमें सॉल्यूशन में 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑटोक्लेव भी करते हैं। दिस इज द फर्मेंटेटर जो बेसिकली यूज किया जाता है फर्मेंटेशन के लिए। इट इज़ वन ऑफ द सबमर्ज टाइप ऑफ कल्चर, सबमर्ज टाइप का फर्मेंटेटर है। आप इसमें देखिए एक एजिटेशन सिस्टम लगा हुआ है दैट इज कनेक्टेड विद द शाफ्ट एंड पेडल्स। ये पेडल जो है वो रोटेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोटर, है ना, मोटर के थ्रू ड्राइव करते हैं। यहाँ पे जो है वो पंप के थ्रू मीडिया जो है वो इस फर्मेंटेटर के अंदर डाला जाता है। यहाँ पे एक एयर इनलेट होती है जो कि एरेशन को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे दो तरीके के सेंसर्स होते हैं, प्रेशर सेंसर और टेम्परेचर सेंसर और पीएच सेंसर, सॉरी, ये दोनों लगाए जाते हैं ये चेक करने के लिए कि वाकई में पीएच जो है वो हम मेंटेन कर पा रहे हैं या टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हम मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं, जो कि सिस्टम के थ्रू मॉनिटर किया जाता है। ये जो है वो थर्मल जैकेट्स होती हैं जो कि आपको ये बताती हैं कि किस तरीके से थर्मली मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करना है बाय द स्टीम इनलेट एंड स्टीम आउटलेट के थ्रू। ये जो है लास्ट है ये सबमर्ज्ड एरेटर टाइप का सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे एयर जो है वो यहाँ से मिस्ट फॉर्म में ऊपर आती है, ऊपर से नीचे नहीं आती है, नीचे से ऊपर की तरफ आती है ताकि वो पूरे थ्रू आउट फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर एरेशन कम्प्लीट रहे। और ये इफ्लुएंट है जो टाइमिंग के अंदर हम यहाँ पे से जो भी मटेरियल होता है उसको विदड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्मेंटेशन फर्मेंटेटर यूज्ड इन अ ग्रीसो फ्लेविंग। आप रियल पिक्चर में देखना चाहें तो फर्मेंटेटर कुछ इस तरीके से दिखता है। इट इज़ अ 1000 लीटर कैपेसिटी ऑफ टैंक। नाउ प्री ट्रीटमेंट ऑफ फर्मेंटेशन ब्रोथ, द ब्रोथ इज हीटेड अबाउट 60 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 to 30 मिनट। जो भी हमने ब्रोथ डेवलप किया या मीडिया जो डेवलप किया है उसको 60 डिग्री पे 20 से 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। आफ्टर हीटिंग सफिशियंट कोगुलेशन ऑफ मटेरियल लगता है टू प्रोड्यूस ए वैल्यूएबल इम्प्रूवमेंट इन सेपरेशन करेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्रोथ। द पीरियड ऑफ हीटिंग मे बी शॉर्ट 5 to 10 मिनट 80 डिग्री सेंटीग्रेड हैविंग बीन फाउंड टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री इंक्रीज इन फिल्ट्रेशन रेट। तो ग्रोथ को हम पहले प्री ट्रीटमेंट देते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्मेंटेशन, कि हम उसको सबसे पहले गर्म करते हैं तो इससे क्या होता है कोगुलेशन हो जाता है, जो भी कन्वर्ट मटेरियल नहीं होता है, और इसको हम और स्पीडली कर सकते हैं 5 से 10 मिनट में यदि 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रोथ को गर्म किया जाए। इससे क्या होता है कि कोगुलेट बन जाते हैं और हम आसानी से फिल्टर कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन के लिए हम ड्रम टाइप का फिल्टर असेंबली यूज़ करते हैं। ड्रम कवर्ड विद द डायमीटर अर्थ मैटर एंड अलाउड टू रोटेट अंडर द वैक्यूम विद हाफ इमर्स्ड इन द स्लरी टैंक। स्मॉल अमाउंट ऑफ कोगुलेशन एजेंट एडेड टू ग्रोथ and pumped into the slurry tank. As drum rotate in the slurry tank under vacuum, thin layer of coagulated particle adhere to the drum. आपने शायद इंजीनियरिंग के अंदर ड्रम टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन देखा होगा कि वो रोटेट करता है, उसके ऊपर भी एक फिल्टर मीडिया अटैच रहता है। यहाँ पे जो फिल्टर मीडिया है दैट इज अ डायमीटर अर्थ मैटर जो है ना उस ड्रम के ऊपर लगाया जाता है और अंदर से वैक्यूम लगाया जाता है ताकि जब वो शक करे तो जो कोगुलेटेड मटेरियल है वो अर्थ मैटर्स के ऊपर जाके अटैच हो जाए और जो लिक्विड है या वो स्लरी है जो वो टैंक के अंदर वैक्यूम के थ्रू थिन लेयर को क्रॉस करके अंदर आ जाए। द लेयर थिकनेस टू फॉर्म केक एज द केक पोर्शन इन द ड्रम कम्स टू द अपर रीजन विच इज नॉट इमर्स्ड इन द लिक्विड, इट इज वॉश्ड विद वाटर एंड डिवाइटेड इमीजिएटली बाय द ब्लोइंग एयर ओवर इट। देन बिफोर द ड्राइड पोर्शन इज अगेन इमर्स्ड इन टू द लिक्विड इज अ कट ऑफ फ्रॉम द ड्रम बाय द नाइफ। तो आप देखना चाहेंगे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है।
यहाँ पे एक ड्रम टाइप का सिस्टम होता है, जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये ड्रम टाइप का सिस्टम है। इसके अंदर जो है ना सक्शन, सेंट्रल डक्ट के थ्रू हम सक्शन क्रिएट करते हैं, यानी कि वैक्यूम क्रिएट करते हैं। इसकी जो अपर लेयर होती है वो अर्थ मैटर की बनी हुई रहती है, डायमीटर्स अर्थ मैटर की। और जब हम इसको रोटेट करते हैं, जब हम रोटेट करते हैं तो ये हाफ स्लरी के अंदर से मर्ज होते हुए ऊपर की तरफ आता है। सक्शन के थ्रू इसमें से लिक्विड जो है वो सब होता है सेंट्रल डक्ट में, और जो कॉगुलेटेड मटेरियल है वो इसके ऊपर स्टिक हो जाता है। इस तरीके से जब ऊपर आता है तो यहाँ पे नाइफ लगा रहता है, जो कि कॉगुलेटेड मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल है, उसको रिमूव करता है, क्योंकि यहाँ पे वॉश करते जाते हैं साइमल्टेनियसली। तो ये फिल्ट्रेशन जोन कहलाता है, और ये केकिंग जोन है ना, या डी वाटरिंग जोन है। नेक्स्ट ये आप ओरिजिनल देखना चाहेंगे तो इस तरीके से ड्रम टाइप का फिल्ट्रेशन असेंबली है, जो कि लिक्विड के चैम्बर में से आपको मटेरियल जो है, ये सेंट्रल डक्ट है और ये आपकी ड्रम टाइप की असेंबली ऑफ फिल्ट्रेशन है। फिर आते हैं एक्सट्रैक्शन पे। ग्रीसोफ्लेविन इज एक्सट्रैक्टेड इन द कोल्ड एसीटोन व्हेन इट इज यूज्ड एज एन एक्सट्रैक्शन एजेंट। द एक्सट्रैक्शन विद द कोल्ड एसीटोन मे बी कैरिड आउट विद द एफिशिएंसी बिटवीन 75 to 96% और इवन अप टू 99.5%। The quantity of the solvent used in the extraction at a large scale production should be kept minimum. The volume of acetone should be 3 to 5 times of the mycelium 5. तो ग्रीसोफ्लेविन के एक्सटेंशन के लिए हम कोल्ड एसीटोन यूज़ करते हैं, और या तो हम उसको 99.5% प्योर यूज सॉल्वेंट यूज करते हैं, और हम उसको बार बार भी यूज कर सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एसीटोन शुड बी 3 to 5 times यदि माइसिलियम के साथ में है। तो ये एक्सट्रैक्शन असेंबली है Originally. Then next step is decolorization. The color of the extract can be improved by the addition of calcium hydroxide, usually 2.5 to 50 gram per liter, preferably 5 to 30 grams per liter. हम ऐड करते हैं calcium hydroxide को. The pH of the extract should be about 10. It can be neutralized by the removal of lime or by using a mineral acid. तो हम pH को maintain करते हैं 10 तक, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है हम इसमें ऐड करते हैं डीकलराइजिंग एजेंट के तौर पे। देन आइसोलेशन एंड सेपरेशन, द इम्प्योरिटीज और वैक्सी सब्सटेंस आर रिमूव्ड बाय द वॉशिंग द एक्सट्रैक्ट विद द सॉल्वेंट इन विच एक्सट्रैक्ट इज मिसिबल इमिसिबल एंड ऑल्सो ग्रीसोफ्लेविन इज इनसॉल्युबल। हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट, जनरली एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन सच एज हेक्सेन, पेट्रोलियम कंटेनिंग ए हाई पोर्शन ऑफ हेक्सेन आर इन जनरल सुटेबल फॉर दिस सिस्टम। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ ग्रीसोफ्लेविन के लिए हम इम्प्योरिटीज से अलग करना है, आइसोलेट करना है, तो हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स सॉल्वेंट यूज करते हैं जैसे हेक्सेन। नाउ नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन एंड प्यूरिफिकेशन। ग्रीसोफ्लेविन कैन बी प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट इन वेरियस वे। वन ऑफ द मेथड इज यूजिंग द लिक्विड सॉल्वेंट इन विच ग्रीसोफ्लेविन इज सब्सटेंशियली इनसॉल्युबल। ग्रीसोफ्लेविन नॉन सॉल्वेंट इज प्रेफरली वाटर। The alkaline water is more effective for the removal of color impurity present in the crystals of the ग्रीसोफ्लेविन। तो alkaline water के अंदर ज़्यादा मात्रा में color impurities होती है जिसको remove कर दिया जाता है, और ग्रीसोफ्लेविन crystals के अंदर ये impurities नहीं आती। Water is a mid alkaline with ammonia or an alkali metal carbonate or alkali metal hydroxide. The suitable pH is about 8.5. यहाँ पे हम बात करें alkaline ammonia use करते हैं या कार्बोनेट मेटल वाटर यूज़ करते हैं या कोई अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, और इसका पीएच जो है वो 8.5 मेंटेन किया जाता है। द प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट इज जनरली इम्प्रूव्ड बाय वॉशिंग विद अ सॉल्वेंट फॉर द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज रिमेनिंग। द सुटेबल वॉशिंग मीडिया ड्राई और वेट एसीटोन, लोअर एल्केनॉल फॉर एग्जाम्पल मिथेनॉल और ब्यूटेनॉल। मार्क प्यूरिफिकेशन इज ऑब्टेन विद द यूज ऑफ मिथेनॉल फॉर द स्टेप। तो यहाँ पे हम एसीटोन तो यूज़ करते ही करते हैं, इसके अलावा यदि हम मिथेनॉल यूज़ करते हैं तो हमें प्यूरिफिकेशन अच्छे से मिलता है। यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं आपको अनमाइल्ड ग्रीसोफ्लेविन देखने को मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और माइल्ड टाइप जो है मिल्ड जो है ग्रीसोफ्लेविन आपको पिक्चर इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमने ग्रीसोफ्लेविन का फर्मेंटेशन, उनको प्यूरिफिकेशन किया, आइसोलेट किया, एक्सट्रैक्ट आउट किया। So this is all about fermentation process.
एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं, फर्मिग्रीसोफ्लेविन जो है एक तरीके का एंटीबायोटिक है जो कि पेनिसिलिनम ट्राइसोफ्लेवन फंगस के थ्रू हमें मिलता है, और ये आइसोलेट किया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू लार्जली कमर्शियली। नॉर्मली ग्रीसोफ्लेविन जो है वो यूज़ किया जाता है रिंगवर्म इन्फेक्शन में या फंगल इन्फेक्शन में, और जैसे नेल इन्फेक्शन है, स्कैल्प इन्फेक्शन है, स्कैल्प रिंगवर्म इन्फेक्शन है, या एथलीट फूड्स में भी ये काम आता है। फर्मेंटेशन के लिए हम माइसिलियम जेस्पॉट टॉक्स मीडिया यूज़ करते हैं, और जिसके अंदर ग्लूकोज कैल्शियम सोडियम नाइट्राइट हम यूज़ करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम यूज़ करते हैं, और इसको ना हम प्रॉपरली स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज करने के बाद इसमें माइसिलियम को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद फर्दर इसकी सेपरेशन किया जाता है। आफ्टर इसमें जो जो प्रोसेस होती है सबमर्ज्ड फर्मेंटेटर टाइप की यूज़ की जाती है। कल्चर मीडिया या माइसिलियम को जब ऐड करने के बाद और 24 डिग्री टेम्परेचर पे 6.5 pH को मेंटेन रखते हैं 14 दिन तक, 14 डेज के बाद हम जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो हम इसको सेपरेट आउट करते हैं बाय यूजिंग ए सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन प्यूरिफिकेशन डीकलराइजेशन के थ्रू। तो ये था आज ग्रीसोफ्लेविन का फर्मेंटेशन प्रोसेस, आपको शायद समझ में आया होगा, और ज़रूर आप घर पर बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मानता हूँ कि सेज ग्रुप और SIRTS फार्मेसी की फैकल्टी बहुत मेहनत से आपको ऑनलाइन नोट्स प्रोवाइड कर रही है, और जितनी जल्दी हो सके आप उनके नोट्स बनाइए और घर पर बैठ के पढ़ाई करिए। सेज ग्रुप, इंटायर सेज ग्रुप आपके हेल्दी और सेफ रनिंग में की कामना करती है ना। तो आप अपना ध्यान रखिए। दिस इज़ डॉक्टर नीलेश जैन, प्रोफेसर SIRTS SP, नाउ साइनिंग आउट। नेक्स्ट लेक्चर में हम और फर्मेंटेशन रिएक्शन देखेंगे, और फर्मेंटेशन प्रोटेक्ट।